ये धरती अवशेषों का ब्रह्मांड है। संजोए गए और बिसरा दिए गए निशानों से इसका कण कण भरा है। हमारी कल्पना के स्पर्श मात्र से वो समय, वो संसार जीवंत हो उठता है। नगर, पुल, किले, खंडहर, जंगल इतिहास की निशानियां हैं। इन्हीं निशानियों में से एक है छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा पर बसा एक गांव। ये गांव एक पुरानी किताब है, इसे खोलकर पढ़िए, कहीं इसके पुराने पन्ने पीले पड़ गए होंगे, कहीं जर्जर भी हुई हैं इसकी कहानियां। हमारी आपसी कहानियों से कहीं पेचीदा, कहीं रहस्यमय, न जाने क्या घटा होगा उस वक्त। अब तो इस किताब को पढ़ने वाले जानकार भी न रहे, जो कुछ ब्यौरा मिलता बस सुना सुनाया ब्यौरा होता है। बरतिया भाटा, यही है इस गांव का नाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर बसना ब्लॉक में बसा है ये गांव। यूं तो इसके नामकरण का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, पर आज भी गांव वालों द्वारा कई कहानियां सुनाई जाती हैं इस गांव के बारे में। बरतिया भाटा दो शब्दों के संयोग से बना है। पहला बरतिया, जिसका अर्थ होता है पुरुष स्त्री का मिलन अथवा विवाह, और दूसरा भाटा अर्थात गांव या स्थान। भारतीयों के समान आकृति वाले पत्थरों के कारण इस गांव का नाम पड़ा बरतिया भाटा। लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव के बारे में कई रोचक और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। एक बार आश्रम के पास एक बारात रात्रि भोज व विश्राम के लिए रुकी। ऋषियों द्वारा बारातियों से भोजन का आग्रह किए जाने पर जब बारातियों ने उनका अपमान कर दिया, तो क्रोधवश ऋषियों ने सारे बारातियों को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। एक दूसरी कहानी के अनुसार लोग बताते हैं कि ठाकुरों की बारात वापसी के समय यहाँ विश्राम के लिए रुकी थी, और किसी गलती के परिणाम स्वरूप दैव योग से सारे लोग और वस्तुएं पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए, जिस कारण इस स्थान का नाम बाराती पत्थरों का स्थान या बरतिया भाटा पड़ा। ठाकुर कहने रजा मनकर शादी बर बिहार होता से तार कारण थी से माने जलपान करवा लगे हमारी गांव मतलब भीटी जमीन थी मैंने विश्राम कर ली तो देव योग थी सभी अब कारणवश मैंने पत्थर लहटी गले इथिर कारण थी हमार गांव नाम का बरतिया भाटा नाम थी। बर मतलब लड़का के बर कहसन जनता दूल्हा और तिया के मतलब नारी के तिया कहसन दृश मतलब नारी तो हेथी लागिर ये नारी और पुरुषर मिलन थीन सभी पत्थर नहटले जी इतार लागिर भी हमार गान ना बरते अब। जानकार बुजुर्ग आज भी इन पत्थरों के अद्भुत कारनामों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। कहते हैं कि पहले इन पत्थरों से दर्द से कराहने की आवाजें आती थी और सुबह शाम इनसे रहस्यमयी सुगंध आया करती थी, जिनके स्रोत का आज तक किसी को पता नहीं चला। इसी के प्रतीकात्मक रूप में आज भी ग्रामवासी अपने ग्राम देवता ठाकुर देव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि ये अपने ग्रामवासियों की प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से रक्षा करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इन पत्थरों को उठाने या घर ले जाने की कोशिश करता है तो उसे इसका खामियाजा किसी बीमारी, पागलपन या मौत के रूप में भुगतना पड़ता है। इस बारे में ग्रामवासी क्या कहते हैं, आइए देखें। हाँ नहीं थी ले बैया है कोई मरी वहां से फिर पखन को वापिस करने ला बुका भेड़ा दे को ले जा रकत को लो थी लेटा बुका भेड़ा आउ से बैया है कोई मरला तो तो जो पछे नहीं पा आप तो ढुलाई करी कुड़ी करी ढुलाई नौ सन लेकिन ढुलाई तक न सन।
की शक्ति कड़ा थी आजकल देवी देवता की बोल है तो है ना सब हम घी कोहरू से बागी। कभी अपने अद्भुत पत्थरों के कारण पुरातात्विक दृष्टि से प्रसिद्ध यह गांव अपने ही लोगों द्वारा उपेक्षित कर दिया गया। जिन पत्थरों ने यहां के लोगों को पहचान दिलाई उन्होंने ही अतिक्रमण करके इनकी छाती पर भवन बना डाले। अतिक्रमणकारियों की सक्रियता और शासन की अक्रियता का प्रभाव बरतिया भाटा की धरोहर को नष्ट किए जा रहा है। काश ये पत्थर ही इन्हें समझा पाते। बरतिया भाटा पहुंचने के लिए रायपुर, रायगढ़ तथा महासमुंद शहरों से रोजाना बसें चलती हैं। रायपुर से नेशनल हाईवे पर 150 किलोमीटर बाद बसना से 16 किलोमीटर की दूरी पर है।